गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार पेरेंट्स. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम. होप यू ऑल हैव डन दैट वर्ल्ड प्रॉब्लम विच आई हैव गिवन यू प्रीवियसली. नाउ वी विल स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट. अ फार्मर स्पेंट 4,500 ऑन अ गोबर गैस प्लांट. ही गॉट 2,900 एज अ लोन फ्रॉम अ बैंक. हाउ मेनी रुपीज डिड ही स्पेंड फ्रॉम हिज पॉकेट. क्या बोला है उसने? 4,500 जो है उसका उसने गोबर गैस खरीदा है. क्या खरीदा है? गोबर गैस. और उसमें से उसे लोन कितने का मिला है? 2,900 का उसे लोन मिला है. सो हाउ मेनी इज लेफ्ट? यू विल माइनस एंड व्हाट विल बी द आंसर? यू विल राइट देयरफॉर फार्मर स्पेंट had spent amount from his pocket. Okay? एक स्टेटमेंट आपको जरूर लिखनी होती है जो वो बता रहे हैं. नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 8,375. क्या पूछ रहे हैं वो? पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है? 8,375 क्या है? पॉपुलेशन है ऑफ विलेज की. देन व्हाट इज सेइंग? द नंबर ऑफ मेल्स इज 4,866 मेल है. एंड व्हाट ही इज आस्किंग फॉर? हाउ मेनी नंबर ऑफ फीमेल्स आर लेफ्ट? यू विल डिडक्ट, द आंसर विल कम, यू विल राइट देयरफॉर दैट मच फीमेल्स आर देयर इन अ विलेज. Coming to the next eighth question, there are 1200 seats in a theater. कितनी है? 1200 seats हैं theater में. 1200 seats are there in the theater on a particular 968 जो वो हैं theaters में person watch the show. How many seats are vacant? You will deduct 1200 from 968. That therefore these seats are vacant. Question number 9. The sum of two numbers is 7036. 7036 कितना है? 7036 है sum of किसी number, two numbers का. One number is 3168. So you will deduct, the answer will be the sum of another number. एक का दिया है, ये सब का है, 1 + 2 का है, ठीक है? इसमें से 1 का दे दिया है आपको, 2 का आपको find out करना है. जो आप deduct करके answer आएगा वो 2 का sum होगा. Now the last is 10th. Mr. Pandey has 9,200 in the bank. कितने हैं उसके पास? 9,200 रुपए. 9,200 उनके बैंक में हैं. Okay? He withdraws 2,756. Okay? How much money has been spent in the bank now? कितना money रह गया है, बचा है बैंक के अंदर? तो you will deduct from this. You will write therefore Mr. Pandey had this much amount in his bank left. Okay? So today your homework will be from question number 6 to 10 which are done here in your notebooks. And you will complete your page number 54 and 55 classwork exercises in your book itself. Now next we will do simplification on 21 next time. Okay children? So thank you class.